रोहित शर्मा क्रिकेट इतिहास में भारत द्वारा पेश किए गए सबसे प्रतिभाशाली क्रिकेटरों में से एक हैं। अगर हम क्रिकेट के इतिहास के महान बल्लेबाजों की सूची बनाते हैं तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को उस सूची का हिस्सा होना चाहिए। वह भारतीय बल्लेबाजी क्रम में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक है। वह बल्लेबाजी करते हुए काफी शांत और समझदार दिखते हैं। उनका पूरा नाम रोहित गुरुनाथ शर्मा है। लोग उन्हें उनके उपनाम हिटमैन रोहित से भी बुलाना पसंद करते हैं। आज की इस वीडियो में रोहित शर्मा के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, रोहित शर्मा महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, परंतु उनकी माता विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से है, इसलिए वह अंग्रेजी व हिंदी के अलावा तेलुगु और मराठी को भी बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हैं। रोहित शर्मा एक निर्धन परिवार से थे, इसलिए उनके माता पिता उनकी स्कूल की फीस का भुगतान नहीं कर पाते थे, लेकिन क्रिकेट खेल की प्रतिभा के कारण उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए छात्रवृत्ति मिला करती थी। नंबर दो, रोहित शर्मा ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत एक ऑफ स्पिनर बॉलर के रूप में की थी, परंतु बाद में उनके कोच ने उनकी बल्लेबाजी की क्षमता को पहचाना और उस पर ध्यान दिया। इस तरह से वह एक कामयाब बल्लेबाज बन गए। शर्मा ने एक दिवसीय मैचों में 3 बार दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। वह संसार के अकेले ऐसे बल्लेबाज हैं जिसने ऐसा कारनामा किया है। नंबर तीन, रोहित को 2015 में शानदार खेल प्रदर्शन के कारण अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भारतीय क्रिकेट टीम के रोहित पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको लाल लीगा फुटबॉल लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नंबर चार, रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदे रोहित शर्मा की स्पोर्ट्स मैनेजर हुआ करती थी। इसी दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने 2015 में शादी कर ली। नंबर पांच, अवार्ड की बात की जाए तो रोहित शर्मा को 2015 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा वह 2015 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के लिए GQ का अवार्ड जीत चुके हैं। नंबर छह, रोहित शर्मा शाकाहारी है, लेकिन अंडे के प्रति उनकी पसंद दुनिया भर में मशहूर है। ब्राह्मण होने के कारण वह परंपराओं का पालन करते हैं और घर के बाहर अंडे खाते हैं। उन्होंने एक बार एक दोस्त को एक बार में 50 अंडे खाने की चुनौती दी थी। नंबर सात, रोहित शर्मा को अपना सामान खोने की बुरी आदत है। एक शो ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस के दौरान खुद विराट कोहली ने इस बात का खुलासा किया था कि एक बार वह अपना पासपोर्ट भूल गए थे। नंबर आठ, उन्हें बेंगलुरु में मैच के दौरान प्रोडक्शन टीम में उनके दोस्त से हिटमैन उपनाम मिला जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक बनाया। इसे कमेंट्री टीम में किसी ने उठा लिया और फिर वायरल हो गया। उनके अन्य उपनाम उनकी पत्नी द्वारा दिया गया RO और युवराज सिंह द्वारा दिया गया साना है। नंबर नौ, वह 6 IPL ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं। 5 मुंबई इंडियंस के साथ और 1 डेक्कन चार्जर्स के साथ रोहित शर्मा ICC विश्व कप इतिहास में नॉकआउट मैच में शतक बनाने वाले दूसरे भारतीय हैं। ऐसा करने वाले पहले सौरव गांगुली 2003 में केनिया के खिलाफ थे। नंबर 10, रोहित शर्मा उन खिलाड़ियों में शामिल है जिन्होंने 2 अलग अलग टीमों डेक्कन चार्जर्स और मुंबई इंडियंस के साथ IPL जीता है। लक्ष्मीपति बालाजी, प्रज्ञान ओझा और यूसुफ पठान अन्य 3 खिलाड़ी है। 2007 में जब रोहित ने एक T20 मैच में पहली पारी में ही छक्का लगाकर लगभग 50 रन बनाए तो वह उनके पिता का सबसे अच्छा पल था। हिटमैन के बारे में ये जानकारी क्या आपको पहले से पता थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हिटमैन के लिए 1 लाइक तो बनता है। ऐसी ही और जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।